नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत श्रीवास्तव हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, आजकल बालों की समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है, जिसको लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं। तरह तरह के उपाय करते हैं बालों को सही करने के लिए, तरह तरह के केमिकल्स यूज करते हैं, तरह तरह के ऑयल यूज करते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। पार्लर्स में जाते हैं और उसके बाद भी उनको लाभ नहीं मिल पाता है और बाल गिरने से वो परेशान रहते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं बालों की, जिसको लेकर लोगों में परेशानियां हैं। बात करें अगर हम तो डैंड्रफ की परेशानी, बात करें हम तो दो मुंह बाल की परेशानी, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेकर लोग परेशान रहते हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स पे आज हम बात करेंगे आपसे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो जिंदगी है, जो भागम भाग लगी हुई है लोगों के बीच में, जो प्रदूषण है, जो हमारा खान पान है, उसको लेके हम लोग कई सारे स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं। उसमें एक बहुत ही कॉमन समस्या है बालों की समस्या, जिसको लेके चाहे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे एक कॉमन सा इंसान हो, वो सभी परेशान हैं और इसके लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। बहुत सारे लोग उसके लिए ट्रांसप्लांटेशन भी कराते हैं। जो कितना कठिन दौर है, कितना कठिन यातनाएं होती हैं उसमें, उसको भी लोग करने को तैयार रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लोग अपनी बालों को बचाने के लिए, बालों को ग्रोथ कराने के लिए करते रहते हैं। उन सभी कठिन यातनाओं से बचाने के लिए मैं आपको सामने कुछ ऐसे उपाय, कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊँगा, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है निश्चित रूप से अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाइफ में कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली है और आपके बाल मजबूत होने वाले हैं। दोस्तों, आजकल एक बहुत कॉमन समस्या है डैंड्रफ की समस्या। रूसियाँ बाल में रहती हैं, लोग रूसी को लेके परेशान रहते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, महंगे महंगे तेल यूज इस्तेमाल करते हैं, महंगे महंगे अपने शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो उस समस्याओं को से बचने के लिए हमारे होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे हम इनको ठीक कर सकते हैं। उसमें एक दवा हमारी आती है एसिड फॉश, जो बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, और बालों में अगर उसको हम इस्तेमाल करें डैंड्रफ के लिए, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, बाल में जो रूसी है हमारे कम होंगे। ऐसे ही हमारी दवाइयाँ आती हैं बहुत सारी, जैसे कि फास्फोरस मेडिसिन है, ये भी वर्क करती है हमारे डैंड्रफ पे। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको इस्तेमाल करके हम डैंड्रफ से बच सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ डैंड्रफ के विषय में। हम बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, हेलमेट इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट हेलमेट लगा लेते हैं बाल में। और हेलमेट लगाने की वजह से कि उसके अंदर जो डस्ट होता है, जो मिनी बैक्टीरिया होते हैं, वो बालों में बैठ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी देते हैं, जो बालों की समस्याओं को जो मेल पर्सन है उनमें ज़्यादातर दिक्कतें दिखने को आ रही हैं। अच्छा, फीमेल्स में भी स्कूटी वगैरह पे जो फीमेल्स यूज करती हैं हेलमेट वगैरह, उनके भी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे क्लिनिक पे आते हैं, लेकिन उसका एक मेन कारण जो है, मेन समस्या जो है, वो है हमारे जो हेलमेट्स होते हैं उनको हम क्लीन नहीं करते हैं, हम सफाई नहीं कर पाते हैं हेलमेट्स की। तो मैं कहूँगा वीकली आप एक बार ज़रूर अपने हेलमेट की सफाई करें, और जब भी आपको लगता है कि आपको हेलमेट लगाना है या फिर बाहर जाना है, तो आप निश्चित रूप से एक कॉटन का कपड़ा बाल में लपेट के उसके ऊपर से आप हेलमेट लगाइए, आपका बाल सुरक्षित रहेगा, कोई अदर बैक्टीरिया अदर तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आने पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक कॉमन समस्या है बालों का सफ़ेद होना। आजकल देखा जा रहा है बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, कम एज के बच्चे हैं जिनके बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं, उनमें भी बहुत सारा इस तरह दिक्कतें आई गई हैं। जो हमारा खान पान है दोस्तों, जो हम लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बहुत अर्ली स्कूल भेज देते हैं, और उनको जो डाइट्स मिलनी चाहिए, जो मिनरल्स मिलने चाहिए, जो प्रोटीन्स मिलने चाहिए, वो प्रॉपरली मिल नहीं पाता है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम उनको प्रॉपरली सारा प्रोटीन, सारे विटामिन्स देंगे, तो निश्चित रूप से उनके बाल ग्रे नहीं होंगे, सफ़ेद नहीं होंगे, और बालों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो उनको प्रॉपरली जो हमको नेचुरली जो विटामिन्स हैं, नेचुरली जो प्रोटीन्स हैं, वो उनको देना चाहिए। साथ में उनके बालों को आयलिंग करिए, सप्ताह में एक दिन संडे को छुट्टी होती है तो बच्चों को एक दिन जरूर बालों में आयलिंग करनी चाहिए, बालों को आयलिंग करें। इसके साथ साथ हमारी एक ऑयल आती है दोस्तों, अब से ऑयलिंग का बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। एक हमारी ऑयल आती है जिसका नाम है जैबरांडी। जैबरांडी एक मदर टिंचर है जिसको आप चाहें तो नारियल के तेल में मिला के संडे संडे को बालों में बच्चों के मालिश कर सकते हैं, चप भी कर सकते हैं, जिससे बाल उनके मजबूत रहेंगे और जो बाल आएंगे वो बिल्कुल ब्लैक आएंगे और इससे कोई समस्या नहीं होने पाएगी।
अच्छा, जिन बच्चों के बाल सफेद हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको हमारी कुछ दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि एसिड फॉश, मैंने पहले ही बताया एसिड फॉश बहुत अच्छा काम करता है, बच्चों को दे सकते हैं, वो अच्छा इसका रिजल्ट है और बाल निश्चित रूप से उनके मजबूत होंगे और बाल सफेद नहीं होने पाएंगे। दोस्तों, इसके साथ में एक समस्या बहुत ज़्यादा है जो लेकर लोग परेशान रहते हैं, वो है हमारे गंजेपन की समस्या। जो बोलते हैं कि हाँ भाई, अगर फादर को है तो फिर बच्चों में भी होने की संभावनाएं होती हैं, या फादर से मुझे कैरी होके आया, तो कई बार तो हेरिडिटियल होता है, कई बार हेरिडिटियल नहीं होता है। अर्ली एज में ही वो 60-70 के दिखने लगते हैं। आपकी एज अगर 25 है, 30 है, तो अब 60-70 के दिखने लगते हैं बाल ना होने की वजह से। उनके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ होम्योपैथिक में, जिनको हम इस्तेमाल करके और इन गंजेपन से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर हम देखिए प्रॉपरली अच्छा डाइट लेते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, जो हम लोग को विटामिन चाहिए, जो मिनरल चाहिए, अगर उनको प्रॉपरली हम लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे बाल मजबूत रहेंगे और कहीं भी हमको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाल हमारे अच्छे रहेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है, हम एकदम सही रहेंगे। और वहीं कहीं हम लोगों ने डाइट चेंज किया, अपना सारा चीज़ फास्ट फूड पर कंसंट्रेट किया, हम लोगों ने मतलब घर का छोड़ के बाहर का खाना शुरू किया, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी आने वाली है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि घर का खाइए, शुद्ध खाइए और बिल्कुल सारे प्रोटीन, सारे विटामिन से मिलके जो चीज़ें बनती हैं उनको इस्तेमाल किया करें, आपके बाल हमेशा मजबूत रहेंगे। आपने देखा होगा कभी कलकत्ता वाले जो होते हैं, आपने देखा होगा केरल वाले जो होते हैं, उनके बाल क्यों उतने ही ब्लैक हैं, क्योंकि वो जो भी डाइट लेते हैं, उनके डाइट में ज़्यादा तो फिश होती है, तो जो भी डाइट लेते हैं उसमें ओमेगा 3 वगैरह होते हैं। ओमेगा 3 बहुत कारगर है बालों के लिए। ओमेगा 3 को अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जैसे बोलते हैं अलसी, तीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसी का पाउडर बना लीजिए, पाउडर बना के रोज़ सवेरे के टाइम में आप उसको ठंडे पानी के साथ लिया कीजिए और उससे आपको ओमेगा 3 की पूर्ति हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, तो आप फिश ले सकते हैं, सॉमन फिश ले सकते हैं, छोटी मछलियाँ खा सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है और वो बाल को मजबूत रखेगी, बाल आपके काले रहेंगे और घने रहेंगे। साथ में दोस्तों, मैं आपको एक उपाय और बताना चाहता हूँ, एक नुस्खा है, मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने इजाद भी किया था और काफ़ी लोगों को लाभ भी मिला है। मेरे क्लिनिक में आते हैं, मैं बताता हूँ लोगों को और काफ़ी फ़ायदा मिलता है। एक बाउल आप दही ले लीजिए, दही में आधा नींबू डाल दीजिए, नींबू डाल के उसमें हिना का पाउडर आता है, या फिर कोई भी मेहंदी ले सकते हैं, उस मेहंदी के पाउडर को उसमें मिला सकते हैं। साथ में आप एग लीजिए, एग का येलो वाला पार्ट उसमें मिला दीजिए और उसको पूरा एक पेस्ट बना के बाल में लगा लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एक को हटा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है अगर आप इस्तेमाल करें, तो आप इनको एक पेस्ट बना के बाल में वीकली एक बार लगाइए, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बाल इतने शाइनिंग हो जाएंगे और इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। साथ में दोस्तों, हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ, जैसे कि मैंने बोला जबरांडी का इस्तेमाल करिए आप, जबरांडी बहुत ही अच्छा है, उसको आप ओरली भी ले सकते हैं, अगर मदर टिंचर लेते हैं तो पानी में 15-15 बूंद 3 बार, और अगर आप उसको चाहते हैं एक्सटर्नली यूज़ करना तो उसको बेस्ट तरीका है नारियल के तेल में मिला के उसको बालों में लगाइए, बहुत अच्छा काम करेगा, आपके बाल मजबूत रहेंगे। साथ में कुछ अब्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत लोग यूज़ करते हैं अपना जबरांडी का, क्रूड फॉर्म में भी आते हैं, क्रूड फॉर्म में जबरांडी को यूज कर लेते हैं, उनको पेस्ट बना लेते हैं, उनका पेस्ट भी लगा सकते हैं, तो ये सब भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा कि क्रूड फॉर्म में कभी भी इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं से साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो प्योरीफाइड करा के अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए तो बेटर रहेगा। इस तरह दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं हैं, आप लोग भी अगर कोई समस्या है तो नीचे कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं और हमको बता सकते हैं कि सर मुझे ये समस्या है, मैं कोशिश करूंगा उन समस्याओं सबको निजात दिलाने के लिए। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपके सामने लेके आऊं और ढेर सारी समस्याएं जो भी हैं स्वास्थ्य की आपको समय समय तक पहुंचाता रहूं, और इसी के साथ मैं आप लोग से विदा चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद।